यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। When a charged comb is brought near a small piece of paper, it attracts the piece. Does the paper become charged when the comb is brought near it? I think ये हमने आज ही डिस्कस कर लिया, फिर से बता देते हैं। When you rub the comb and up due to friction it gets charged, right? So your comb is charged. However, these paper particles are neutral, है ना? तो free attract क्यों हो रहे हैं? तो उन्होंने बोला does the paper become charged? नहीं, paper अभी भी neutral है। Paper is still neutral. ओवरऑल पेपर न्यूट्रल है ना? ओवरऑल चार्ज पेपर में अभी न्यूट्रल है, इंड्यूस हो गया। लेट्स से तुम्हारी इस पे कुछ भी मान लो, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज था तुम्हारी कॉम पे, तो जैसे पेपर को थोड़ा बड़ा बना के दिखाते हैं ताकि मान लो ये पेपर है, तो इसमें चार्ज इंड्यूस होना मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गए, है ना? ऑल्दो वो कंडक्टर नहीं है पर अलाइन तो करते हैं ना, डाइपोल सेमीकंडक्टर में भी अलाइन तो करते हैं ना, अलाइन करते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव करता है ना, तो इंड्यूस हो गए भाई, ओवरऑल न्यूट्रल है पर एक तरफ नेगेटिव आ गया एक तरफ पॉजिटिव आ गया, और फिर डाइपोल पे जैसे फोर्स लगता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये भी डाइपोल ही जैसी बन गई, ये डाइपोल ही बन गया ना, तो इसकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस डाइपोल पे फोर्स लग रहा है ना, तो है ना। अभी मैं सुन रहा है देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे फोर्स जीरो होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता, और ये सब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं तो उसके कारण अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, सो दिस इज व्हाट हैपेंस है ना। तो ओवरऑल न्यूट्रल है, चार्ज पर इंड्यूस हो गया है ना,